प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के हाफ एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गोली लगी तो वहीं एक सिपाही बदमाशों की गोली का शिकार हो गया। घटना नगर कोतवाली के रामलीला मैदान की है, जहां मंगलवार की आधी रात प्रतापगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गोली लगी, जबकि मुठभेड़ में एक सिपाही कृष्णकांत को भी गोली लगी। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शातिर बदमाश पुनीत सोनी, फहीम सिद्दीकी और शुभम जायसवाल के पास से 3 बाइक और 3 तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया। इनमें 2 बदमाश प्रतापगढ़ जिले के हैं, जबकि फहीम प्रयागराज का रहने वाला। घायल तीनों शातिर बदमाश सराफा व्यवसायी की दुकान में 90 लाख के सोने के आभूषणों की डकैती में शामिल थे। इसी हाफ एनकाउंटर के बाद पुलिस ने नगर कोतवाली के श्याम बिहारी गली में सुरेश सोनी की ज्वेलरी शॉप पर हुई डकैती का खुलासा कर दिया। पुलिस ने डकैती की घटना में शामिल 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ज्वेलरी शॉप पर डाका डालने वाले डकैतों के पास से लगभग 50 लाख कीमत की 900 ग्राम सोने की ज्वेलरी को बरामद किया है, जबकि पुलिस ने डकैतों के पास से 1 पिस्टल, 2 तमंचा, आधा दर्जन बाइक, कार और ट्रक भी बरामद किया है। प्रतापगढ़ पुलिस से मुठभेड़ में घायल तीनों बदमाश ने पूछताछ के बाद 4 और डकैतों फरहान, यूसुफ, सुल्तान और नसीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 2 गैंगों ने मिलकर दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर डकैती की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें ये एक गैंग है जो पुलिस के हत्थे चढ़ गई है, जबकि दूसरी गैंग अभी भी पुलिस को चकमा देकर फरार है। एसटीएफ स्वाट व पुलिस की 7 टीमें उनकी तलाश में लगातार जुटी हैं। वहीं पुलिस की तफ्तीश में यह भी पता चला कि गिरफ्तार हुए गैंग का सरगना रुस्तम है। ज्वेलरी शॉप पर डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद रुस्तम अपने पुराने मुकदमे में जमानत तोड़वाकर जेल चला गया। आपको बता दें कि 7 जनवरी की सुबह नगर कोतवाली के चौक इलाके के ज्वेलरी शॉप में घुसकर आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने 90 लाख की डकैती की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। डकैती की घटना के खुलासे के दौरान एडीजी जोन प्रेम प्रकाश ने बताया कि ज्वेलरी शॉप से लूटे गए आभूषण के बंटवारे को लेकर डकैतों के 2 गैंगों के बीच भारी विवाद हो गया था, लेकिन डकैतों के बीच सोने के आभूषण का बंटवारा किसी तरह से हो गया, जिसके बाद डकैतों का एक गैंग सोने के आभूषण को लेकर गैर जिले में ज्वेलरी की दुकान पर बेचने पहुंच गया। लेकिन इस घटना का इतना व्यापक प्रचार प्रसार हो गया था कि वहां के स्वर्ण व्यवसायी ने सोने के आभूषण लेने से मना कर दिया और इसकी सूचना इलाके के सिपाही को चुपके से दे दी, जिसके बाद सिपाही ने तत्काल इसकी सूचना एडीजी जोन प्रयागराज को दी, जिसके बाद ये बदमाश पूरी तरह से पुलिस के राडार पर आ गए और पुलिस ने 90 लाख की डकैती की घटना का खुलासा कर दिया। देखिए पूरे मामले में क्या कहना है एडीजी जोन प्रेम प्रकाश का। इस तरह का गैंग देखा गया, जहां वो इकट्ठे थे उनको ललकारा गया, सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के गोली लगी है, जिनको वहां चिकित्सा उपलब्ध कराई गई और जिला चिकित्सालय भेजा गया। 4 लोगों को वहां गिरफ्तार किया गया और इन सभी के कब्जे से ज्वेलरी बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये है। 3 अवैध असले और एमुनिशन उसके साथ बरामद हुआ है। 1 मोबाइल जो लूट की घटना के दौरान ले जाया गया था, उस मोबाइल को भी रिकवर कर लिया गया है। इसमें जो व्हीकल्स इस्तेमाल हुए थे, क्रेटा गाड़ी और जो बाइक्स इस्तेमाल हुई थी, उनको भी बरामद किया गया। अभी हमारे टीमें कई अन्य जनपदों में और प्रदेशों में गई हुई हैं, जल्दी ही जो शेष अभियुक्त है उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, जिस तरीके से डकैती की घटना को अंजाम दिया था, तो अभी और कितने लोग हैं जो कि अभी इसमें वांछित हैं, अभी तक पकड़ में नहीं? इसमें 1 महिला और 6 अभियुक्त और हैं, जिनके बारे पर पुलिस काम कर रही है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। सर, इन लोगों ने घटना करने के बाद कैसे कैसे इन्होंने रूट किया, क्या क्या इन लोगों ने, कौन कौन सी गाड़ियाँ यूज की, अब बंटवारा कितने कितने? इसमें 1 दिन पहले ये जेठवारा थाना क्षेत्र में एक गैंग आ गया था, दूसरा गैंग अपने कंधई क्षेत्र से ही चला था और उसके बाद ये मैदान में इकट्ठे हुए। वहाँ इन्होंने सुबह भी रैकी की थी, उससे पहले भी रैकी कर चुके थे। इनके पास एक मुखबिर यहाँ लोकल बाजार का उपलब्ध था, उसके द्वारा पूरी घटना के बारे में, उसके आसपास का जो सीन था उसका बताया गया। एक बार दुकानदार को देखा गया तो सुरेश सोनी ने तब तक दुकान नहीं खोली थी, उन्होंने बताया कि अभी दुकान बंद है,
उन्होंने इंतजार किया। उसके बाद ये दो टीमें वहाँ से घटना करने के लिए आईं और उसमें तीन लोग जो सीधे जो शॉप के अंदर घुसे, उसमें से एक ने इसको सुरेश सोनी को कवर कर लिया और एक व्यक्ति इसमें तिजोरी के पास चला गया और तीसरा व्यक्ति वहाँ से सामान को जो नीचे गिर गया था उसको समेट कर भागता हुआ नजर आया, जिसमें पीले हुड जो लगाया हुआ था, हुडी पहने हुए था, ये रुस्तम नाम का व्यक्ति निकला जो अपने पुराने मामले में कीड़गंज थाने प्रयागराज में जाकर जेल में यह सरेंडर हो गया। अभी ये जेल में है, इसके लिए भी वारंट बनवाया जा रहा है। अन्य जो अभियुक्त हैं इनको रात मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार किया गया और जिसमें ज्वेलरी बरामद हुई है और अन्य जो अवैध असले इनके पास से हैं वो बरामद किए गए। सर बंटवारा कितने का हुआ था इन लोगों को? इसमें दो मोटे हिस्से किए गए, जो दो गैंग थे आधा आधा हिस्सा इन्होंने लिया, जिसमें एक गैंग के पास से जो रिकवरी हुई है वो हो चुकी है, दूसरे गैंग के लिए भी कुछ लोग हमने अभी शिनाख्त की है और उनसे रिकवरी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। सर ये लोग माल भी क्या सर मेरी गली में ही बेचना चाह रहे थे? ये वापस इनका कोशिश की इन्होंने बाहर प्रयागराज अन्य जगह बेचने की, लेकिन इस घटना का व्यापक प्रचार प्रसार हो गया था जिसके कारण इनका माल माल नहीं बिक पाया था और उसके ऊपर मार्किंग भी थी, इनकी दुकान की मार्किंग थी जिसपे SKD लिखा हुआ था, तो ज्वेलर्स के पास सभी को पता था कि यहाँ लूट की घटना हुई है तो ये मामला खुल सकता था, इसलिए उन्होंने उसी मुखबिर पर फिर से भरोसा किया, उसके लिए यहाँ पर आए। जितनी भी पुलिस टीमें लगी थी क्या क्या उनको? जितनी भी हमारी पुलिस टीमें थी उनको प्रशंसा पत्र दिए जा रहे हैं, मेरे द्वारा नकद 50,000 का पुरस्कार इस टीम के लिए स्वीकृत किया गया है और साथ ही जो पुलिस महानिदेशक महोदय की कमेंडेशन डिस्क है उसके लिए गोल्ड डिस्क के लिए एडिशनल SP और अन्य अधिकारियों के नाम इसमें जा रहे हैं, साथ ही जो सिल्वर डिस्क है उसके लिए भी पुलिस कर्मचारियों के और अधिकारियों के नाम।